मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके बेटे की पुलिस वालों के साथ की हुई बदतमीजी का वीडियो खूब वायरल हुआ। लोगों ने खूब देखा और लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए उस वीडियो को देखकर। लेकिन इसके बाद जब उनके बेटे ने पुलिस वालों को धमकी दी कि तू जानता नहीं है, तू बंगले पर हाजिरी लगाता नजर आएगा, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या कहा, इसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बेटे के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और अपने बेटे को सड़क पर लाए और उन्हीं पुलिस वालों के सामने अपने बेटे से झाड़ू लगवाई सड़क पे और वहाँ से गंदगी साफ करवाई। और इसके अलावा अपने बेटे को गलती का एहसास भी करवाया कि जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रही हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके खिलाफ बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस पार्टी की सत्ता है उनका नेता हो तो वह बिल्कुल भी ये बदतमीजी वो अपने बेटे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तारीफें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वाकई में प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने कमाल कर दिया और उनके जैसा नेता होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पेज ये है जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और उनका बेटा जो इस वक्त जेल में होना चाहिए था उसको जेल में जाने से बचा लिया, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ जो भी बदतमीजी करेगा उसके खिलाफ सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाए हुए हैं और उनके बेटे का जेल में जाना बनता था और काफ़ी गहरी धाराएं भी लगती। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया और साथ ही साथ अपनी इमेज भी तुरंत ही अच्छी कर ली जो उनके बेटे की वीडियो बनने से ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। तो दोनों लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रद्युम्न जी ने अच्छा किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रद्युम्न जी काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं, इसीलिए इन्होंने ठीक वक्त पर कांग्रेस ज्वाइन की थी और ठीक वक्त पर कांग्रेस छोड़ भी दी और वापस बीजेपी में आ गई। और अब जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की इस तरह की वीडियो वायरल हुई है तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने बेटे को जेल जाने से बचा भी लिया। खैर जो भी हो, यह तो प्रद्युम्न सिंह जी ही जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और वाकई में उनके दिल में इन कोरोना वॉरियर्स के लिए इज्जत है या नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर उनके दिल में इज्जत होती तो उनके बेटे को घर से इस तरह के संस्कार मिलते कि बाहर हर एक व्यक्ति बराबरी का होता है। लेकिन उनके बेटे को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, उनके बेटे को देखकर सिर्फ और सिर्फ ईगो दिख रहा था, एक घमंड दिख रहा था। खैर जो भी हो, इस तरह की घटना हुई और इस तरह की घटना को लोग दो पहलू से देख रहे हैं। आप कौन से पहलू से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।